नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इसमें मैं आपसे बात करने वाला हूं जो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा, जो कि पल्ले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम कैंडी के अंदर खेला जाना है। इस मैच की ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन के बारे में, किस तरीके से आपको टीम बनानी है, कौन कौन से प्लेयर्स को टीम में रखना है, ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है, पिच की क्या रिपोर्ट है, और भाई प्लेयर हेड टू हेड में कैसा खेलते हैं, इस ग्राउंड के ऊपर कैसा खेलते हैं, क्योंकि ग्राउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस मैच के अंदर। तो भाई सारी वो नॉलेज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है। और इतना मैं आपको बोल सकता हूं कि अगर आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लिया तो भाई आप लोग क्लीन स्वीप कर जाओगे हेड टू हेड और जीएल एसएल के अंदर, बाकी जीएल में आप लोग रैंक ला सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बस शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना है भाई। स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलती है टॉस के बाद। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब की बायो में प्लस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट आ सके। भाई टीम न्यूज से स्टार्ट करते हैं, तो देखो कोई भी इंजरी की अपडेट नहीं है दोनों ही टीमों की तरफ से। श्रीलंका की जो टीम है वो लीड कर रही है सीरीज को 1-0 से पिछला मैच जीतने के बाद आ रहे हैं, बाकी वनिंदु हसरंगा इस मैच में वापसी कर सकते हैं। ठीक है, ये टीम न्यूज हो जाती है। अब हम चलते हैं प्रोबेबल 11 की तरफ। तो देखो श्रीलंका की टीम से अगर हम बात करते हैं तो पथु निशंका, अविष्का फर्नांडो, कुशल मेंडिस, सदीरा समार विक्रमा, चरित असलंका, जनित लियांगे, कमिंडू मेंडिस, महेश तीक्षणा, जयफिर मंडासय, दिलशान मधुशंका, असीता फर्नांडो, ये हो सकते हैं श्रीलंका की टीम से प्लेइंग 11, जिसमें कि पथु निशंका आपका बैटिंग फर्स्ट करते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छी चॉइस रहेगा, सेकंड में उतना बढ़िया नहीं रहेगा। अविष्का फर्नांडो भी बैटिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट रहेगा, कुशल मेंडिस को आप लोग बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों में ट्राई कर सकते हो। बाकी चरित असलंका की बात करूं तो भाई ये ट्रम्प कार्ड के अंदर आने वाला प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों कर सकता है, जीएल के अंदर आप लोग इसे कैप्टन कर सकते हो। जनित लियांगे, कमिंडू मेंडिस बैटिंग से उतने अच्छे रिकॉर्ड नहीं है, महेश तीक्षणा को आप लोग बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों ही इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो। दिलशान मधुशंका एक लेफ्ट आर्म से मीडियम फास्ट बॉलिंग कराने वाले गेंदबाज है, सामने वाली टीम में राइटी प्लेयर है तो आप लोग दिलशान मधुशंका को भी अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं न्यूजीलैंड की टीम से प्लेइंग 11 की तरफ। तो देखो विलियम, टिम रॉबिन्सन, हैरी निकोल्स, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल हे, मिचेल सेंटनर, नाथन स्मिथ, सोडी और डफी, ये हो सकते हैं न्यूजीलैंड की टीम से प्लेइंग 11, जिसमें अगर आप लोग विलियम को ट्राई करते हो तो विलियम को बैटिंग फर्स्ट करते हो ट्राई करना। टिम रॉबिन्सन है, हैनरी निकोल्स की बात करते हैं, हैनरी निकोल्स को भी आप लोग बैटिंग फर्स्ट करते हो ट्राई कर सकते हो, मार्क चैपमैन आ जाते हैं, बाकी मिचेल सेंटनर को बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों में ट्राई करोगे, क्योंकि देखो लेफ्ट आर्म से ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कराते हैं और श्रीलंकन पिचेस पर आपके जो स्पिन गेंदबाजी होते हैं उनको ज्यादा मदद मिलती है कंपेयर टू पेसर्स के। ठीक है, बाकी सोडी को भी आप लोग अपनी टीम के अंदर रख के चल सकते हो। माइकल ब्रेसवेल एक अच्छा ऑप्शन होंगे, ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं तो आप लोग इनको जीएल में ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। दोस्तों ये हो जाती है प्रोबेबल 11। अब हम चलते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की तरफ। तो देखो टोटल 103 मैच खेले जा चुके हैं दोनों ही टीमों के बीच में, जिसमें से न्यूजीलैंड ने टोटल 52 मैच जीते हैं, श्रीलंका ने टोटल 42 मैच जीते हैं और 8 मैच आपके नो रिजल्ट रहे हैं। ठीक है, लेकिन श्रीलंका की जो टीम है भाई अपने घर में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है, और अभी पिछले मैचेस आपने देखे होंगे इन्होंने वेस्ट इंडीज को भी हराया है, इन्होंने T20 सीरीज भी जीती है, फिर इन्होंने पिछला मैच न्यूजीलैंड को भी हराया है। तो इंपॉर्टेंट टीम रहेगी आपकी कौन सी, श्रीलंका की टीम, क्योंकि देखो पल्ले के लिए के अंदर कैंडी में मैच खेला है, इनको सारा कुछ पता होता है पिचेस के बारे में। ये हो जाते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब हम चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। तो देखो मैच जो खेला जा रहा है वेन्यू का है, पल्ले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम कैंडी के अंदर मैच खेला जा रहा है। यहां की जो पिच है वैसे बैटिंग पिच होती है, 86 रन बनते हैं इस पिच के ऊपर, पेसर्स के लिए अच्छी मदद होती है, लेकिन स्पिन के लिए ऐसा नहीं है कि स्पिन को मदद नहीं रहती है, स्पिनर्स भी अच्छे खासे विकेट लेते हैं, बराबर के विकेट लेते हैं। बाकी देखो अभी तक टोटल 41 ओडीआई मैच हो चुके हैं आपके कैंडी के अंदर यानी पल्ले के लिए के अंदर, जिसमें से 16 मैच बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते गए हैं और 23 मैच बैटिंग सेकंड करते हुए जीते गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि टॉस का एक खास एडवांटेज होगा दोनों ही टीमों के लिए, जो टीम टॉस जीतेगी वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। ठीक है, फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 265 का एवरेज स्कोर है, बाकी स्ट्राइक रेट 90 का है। तो अगर श्रीलंका की टीम, देखो 90 का स्ट्राइक रेट है इस ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, तो अगर श्रीलंका की टीम टॉस जीतती है तो 300 रन भी बन सकते हैं और मैच को तो जीतना पक्का है। ये हो जाती है ग्राउंड की रिपोर्ट। अब हम चलते हैं यहां से कुछ, देखो रिसेंट में मैच खेले गए पल्ले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम के ऊपर जो ओडीआई के मैच हुए हैं वहां से आपको पता लगेगा कि रन कितने बनते हैं और विकेट कितने गिरते हैं, वो चीज आपको ध्यान से देखो। तो अभी
26 तारीख 10वें महीने 2024 को एक मैच हुआ था श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच में, जिसमें श्रीलंका ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 156 बनाए थे, टोटल 20 विकेट 3 विकेट गिरे थे और कितने 23 ओवर के अंदर, मैं क्या बोल रहा था 20 विकेट सॉरी 3 विकेट गिरे थे। बाकी वेस्ट इंडीज की टीम ने 196 बनाए थे और इस मैच को डीएलएस मेथड से जीता था, 2 विकेट इनके गिरे थे 22 ओवरों में इस मैच के अंदर, ठीक है। पेसर्स को इसमें 3 विकेट मिले थे, स्पिनर्स को इसमें कुल 1 विकेट मिला था, ये चीज आपको समझ के चलनी है। तो पेसर्स को यहां पर ज्यादा मदद थी, स्पिनर्स को थोड़ी कम मदद थी, लेकिन ग्राउंड के ऊपर विकेट भी कम गिरे थे। बाकी देखो 23/10/2024 को मैच हुआ था दूसरा मैच, जो कि वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच में था। इसमें श्रीलंका ने बैटिंग फर्स्ट वेस्ट इंडीज ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 189 बनाए थे, ऑल आउट हो गई थी 36 ओवरों के अंदर। श्रीलंका ने 190 बनाए थे, टोटल 5 विकेट गिरे थे और मैच को जीत लिया था भाई 38 ओवर के अंदर। तो अच्छी खा बैटिंग करी थी श्रीलंका ने, और पेसर्स के लिए इसमें टोटल 5 विकेट मिले थे, स्पिनर्स को टोटल 6 विकेट मिले, तो बराबर की हेल्प रही थी पेसर्स और स्पिनर्स को। बाकी एक मैच आपका 20/10/2024 को हुआ था, जिसमें कि भाई वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच में हुआ था। वेस्ट इंडीज की टीम ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 185 बनाए थे, बाकी टोटल इनके 4 विकेट गिरे थे 38 ओवरों में, और श्रीलंका ने कितने 234 बनाए थे। श्रीलंका ने मैच को यहां पर जीत लिया था, टोटल 2 विकेट मिले थे पेसर्स को और 7 विकेट मिले थे स्पिनर्स को, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। अभी एक मैच और 11/2/2024 को हुआ था, जिसमें कि श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच में था। तो श्रीलंका ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 308 बनाए थे, टोटल इनके 6 विकेट गिरे थे, और अफगानिस्तान ने 153 बनाए थे, ये ऑल आउट हो गई थी 33.5 ओवरों के अंदर। अब इसमें आपको दो मैच ऐसे दिखाई दे रहे होंगे जिसमें सेकंड इनिंग में ज्यादा रन बन रहा है। तो आप लोग बोले राहुल भाई ये टेस्ट मैच तो है नहीं, सेकंड इनिंग में ज्यादा रन कैसे बन रहा है? तो भाई ये डीएलएस की तरह से, मतलब जो डीएलएस मेथड था, डीएलएस मेथड की वजह से ये मैचेस हुए थे, इनमें रन बने थे और सेकंड इनिंग में फिर इनसे रन बन पाए गए तीन टीमों से। तो सेकंड इनिंग में ज्यादा रन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये हो जाते हैं ग्राउंड की रिपोर्ट। तो आपको यहाँ से क्या पता लग रहा है कि देखो ना, तो यहाँ पर पेसर्स को ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत कम हेल्प है, स्पिनर को कम हेल्प है, दोनों के लिए अच्छी हेल्प है। बैटिंग के लिए अच्छी पिच रहने वाली है, ज्यादा विकेट नहीं गिरते हैं, ठीक है। सेकंड इनिंग में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ज्यादातर चेज हो जा रहा है स्कोर, ठीक है। तो ये हो जाती है ग्राउंड की रिपोर्ट। अब हम चलते हैं प्लेयर के स्टैट्स की तरफ, जहां से आपको पता लगेगा किस प्लेयर को रखना है, किसे ड्रॉप करना है। बट दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक बेहतरीन एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम है 1x गेम। इसकी क्या खास बात है? खास बात इसकी ये है कि इसमें सबसे पहले तो 1 से 30 तारीख तक अगर आप कोई भी अपना डिपॉजिट मारते हो, तो डिपॉजिट का आपको 10% एक्स्ट्रा मिलता है। यानी कि अगर आप लोग 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो, तो 10,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे आपके पर डिपॉजिट पर, और आप उसे विड्रॉ भी मार पाओगे, कोई ऐसा नहीं है, वो बोनस अमाउंट हो। दूसरी चीज, डाउनलोड करते ही 50 रुपए का बोनस मिल जाएगा। तीसरा भाई, जीएसटी और टीडीएस नाम की कोई चीज पे नहीं करनी है, और कॉन्टेक्स्ट काफी कम है इसकी, कॉन्टेक्स्ट की फीस काफी कम है। और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, पता वो क्या है? वो ये है कि आपको मेरे लिंक से डाउनलोड करने पर हर एक इंटरनेशनल मैचों में और WBBL के मैचों में आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री खोलने को मिलता है, जिसमें कि अगर आप लोगों की रैंक वन आती है तो आपको मिल जाएंगे 1100 रुपए, ठीक है। तो 1100 रुपए विन करने के लिए फटाफट से डाउनलोड कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आपको कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। प्लेयर के रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले श्रीलंका की टीम के प्लेयर्स, प्रथम निशंका हेड टू हेड में टोटल 4 मैच खेले, 80 रन बनाए हैं, 20 का एवरेज है। तो ग्राउंड के ऊपर मतलब हेड टू हेड में रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ट्राई करोगे, बैटिंग फर्स्ट करते हो आप लोग ट्राई कर सकते हो, रोटेशनल प्लेयर रहेंगे। ग्राउंड के ऊपर 6 मैच खेले हैं, 6 मैचों में भाई 755 रन स्कोर करे हैं, 68 का बैटिंग एवरेज है, 210 का इनका हाईएस्ट है ग्राउंड के ऊपर। तो आप लोग प्रथम निशंका को बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बैटिंग फर्स्ट करते हो, कैप्टन के लिए भी एक बढ़िया चॉइस रहेंगे। रिसेंट फॉर्म 39/56/19/52। मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि अगर आज इन्होंने बैटिंग फर्स्ट करी तो 70-80 रन मार सकते हैं प्रथम निशंका, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। वाइस कैप्टन भी आप लोगों को ट्राई कर सकते हो। आगे अब इसका फर्नांडो, पिछले मैच में वही शतक बनाने के बाद आ रहे हैं, एक मैच के लिए शतक बनाया था, 7 मैच ग्राउंड के ऊपर भी खेले हैं, 261 रन बनाए, 37 का एवरेज इनका ग्राउंड के ऊपर है। रिसेंट परफॉर्मेंस 126 रन, 5 रन, 9 रन, 34 रन और 100 रन। प्लेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेयर है, और पिछले 5 मैचों में 2 बार शतक बना चुका है। तो आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हो अब इसका फर्नांडो को बैटिंग फर्स्ट करते हुए। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी अच्छी चॉइस रहेंगे कुशल मेंडिस। तो 8 मैच कुशल मेंडिस ने खेले हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 187 रन स्कोर करे और इनका 23 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है, बैटिंग एवरेज 23 का है। बेस्ट की अगर बात करें तो भाई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इन्होंने 143 रन बेस्ट बनाए हैं, ठीक है। तो इनको आप लोग जीएल के अंदर कैप्टन भी कर सकते हो, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों में इंपॉर्टेंट रहेंगे।
ग्राउंड के ऊपर 23 मैचेस खेले हैं, 613 रन स्कोर कर रहे हैं, 30 का इनका बैटिंग एवरेज है, तो ग्राउंड के ऊपर भी रिकॉर्ड अच्छे हैं और अच्छा खासा इनको एक्सपीरियंस है। बाकी देखो रिसेंट परफॉर्मेंस तो 356 नॉट आउट, फिर 0 रन, फिर 2 रन और पिछले मैच में 143 बनाने के बाद आ रहे, 143 बनाए पिछले मैच में। तो आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, कुशल मेंडिस इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे और एसएल के अंदर मस्ट पिक रहेंगे। सदीर समार विक्रमा 2 मैचों में 6 रन बनाए, समार विक्रमा ने ग्राउंड के ऊपर भाई 9 मैच खेले हैं, 251 रन बनाए हैं, 36 का इनका बैटिंग एवरेज है ग्राउंड के ऊपर। बाकी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो खराब ही चल रही है, 12 रन, 18 रन, 38 रन, डिड नॉट बैट और 5 रन, ठीक है। अगर आप इनको ट्राई करोगे तो जीएल के अंदर ट्राई करना, एसएल के अंदर आप लोग इनको सदीर समाविक्रमा को ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक। आगे है चैरेथ असलंका। भाई चैरेथ असलंका ने टोटल 4 मैच खेले हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिसमें इन्होंने 66 रन स्कोर करे हैं, 2 विकेट भी निकाले हैं, ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, फंसा सकते हैं, पूरे 6-7 ओवर की गेंदबाजी भी कराते हैं। ग्राउंड के ऊपर 15 मैचेस खेले हैं, 15 मैचों में 607 रन बनाए हैं, 76 का बैटिंग एवरेज है, 1 विकेट इन्होंने निकाला, तो 15 मैचों में मात्र 1 विकेट। बॉलिंग से उतने अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन देखो बैटिंग से 76 का बैटिंग एवरेज यार बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप लोग जीएल की टीम बनाते हो, जीएल की टीम में आप लोग इन्हें कैप्टन करना चाहो तो बुरा नहीं होगा, आप लोग इन्हें कैप्टन भी कर सकते हो, एसएल के अंदर भी कैप्टन कर सकते हो। रिसेंट परफॉर्मेंस 62 रन नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 6 रन प्लस 0 विकेट, 35 रन नॉट आउट प्लस 0 विकेट, फिर दोस्तों 0 रन, उसके बाद अभी पिछले मैच में 40 रन भी बनाते और 2 विकेट निकालने के बाद आ रहे हैं आपके कौन, चैरेथ असलंका इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, आप अपनी टीम में बिल्कुल इनको ट्राई करोगे। जेनेथ लियानगे की बात करते हैं तो 1 मैच खेला, उसमें 12 रन बनाते, ग्राउंड के ऊपर 6 मैचों में 52 रन है, 46 का इनका बैटिंग एवरेज है और इन्होंने विकेट एक भी नहीं निकाला, ठीक है। रिसेंट परफॉर्मेंस 16 रन प्लस 0 विकेट, 18 रन नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 24 रन, फिर डिड नॉट बैट, फिर दोस्तों 12 रन नॉट आउट प्लस 0 विकेट, तो इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस चल रही है। अगर रिसेंट परफॉर्मेंस आप लोग देखोगे तो खराब चल रहे हैं, आप लोग अगर इनको ड्रॉप करके चलते हो अच्छा डिसीजन होगा, लेकिन जीएल के अंदर आप लोग ट्राई कर सकते हो। आगे है कमिंडू मेंडिस। अगर कमिंडू मेंडिस की मैं बात करूं तो 1 मैच खेल चुके हैं, उसमें कोई रन इन्होंने नहीं बनाया, विकेट भी कोई नहीं लिया है, ग्राउंड के ऊपर टोटल 6 मैचेस खेले हैं, 6 मैचों में 126 रन स्कोर करे हैं, 42 का इनका बैटिंग एवरेज है, 1 विकेट भी है, तो देखो बॉलिंग से उतने अच्छे नहीं रहे ग्राउंड के ऊपर और हेड टू हेड में भी। बाकी रिसेंट परफॉर्मेंस भी खराब चल रही है, 11 रन नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 0 रन प्लस 0 विकेट, 23 रन, फिर 1 रन, फिर 0 विकेट। बहुत सारे लोग कमिंडू मेंडिस को अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चल रहे हो, बट आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, ड्रॉप कर सकते हो, जीएल के अंदर आप लोग इन्हें ट्राई कर सकते हो। महेश तीक्ष्णा की बात करते हैं तो 2 मैचों में 3 विकेट हैं हेड टू हेड में, ग्राउंड के ऊपर 13 मैचों में 11 विकेट हैं, तो ग्राउंड का भी इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बाकी रिसेंट परफॉर्मेंस 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 2 विकेट, रिसेंट परफॉर्मेंस भी इनकी अच्छी चल रही है महेश तीक्ष्णा की, मस्ट पिक रहेंगे जीएल एसएल दोनों के अंदर, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड दोनों ही इनिंग्स के अंदर आपके महेश तीक्ष्णा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है। और हाँ बॉलिंग सेकंड करते हुए ये प्लेयर, मतलब बॉलिंग फर्स्ट करते हुए ये प्लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जेफरी बंडरसर के बारे में बात करते हैं, लेग ब्रेक गेंदबाज है, 4 मैचों में 3 विकेट है हेड टू हेड में, ग्राउंड के ऊपर भाई 5 मैच खेल चुका है, 5 मैचों में 10 विकेट है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। तो ग्राउंड के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, बहुत सारे लोग इसको ड्रॉप कर रहे होंगे, बट आप लोग ये गलती मत करना, अपनी टीम में रख के चलना। रिसेंट परफॉर्मेंस देखो 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट, रिसेंट भी अच्छा चल रहा है किसका, बंडरसर का, टीम में पिक कर सकते हो। दिलशान मधुशंका के बारे में बात करते हैं, लेफ्ट आर्म से मीडियम फास्ट बॉलिंग कराने वाला गेंदबाज है, 3 मैच हेड टू हेड में खेले हैं, 4 विकेट हैं और ग्राउंड के ऊपर 4 मैच खेले हैं, 3 विकेट हैं। बाकी रिसेंट परफॉर्मेंस तो 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट, पिछले मैच में 3 विकेट निकालने के बाद आ रहा है दिलशान मधुशंका। भाई ये प्लेयर आपका बॉलिंग सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा, वो इसलिए क्योंकि देखो लेफ्ट आर्म से मीडियम फास्ट बॉलिंग करा रहा है, सामने वाली टीम में राइट प्लेयर भरे पड़े हैं, आप लोग बिल्कुल पिक कर सकते हो अपनी टीम के अंदर दिलशान मधुशंका को, क्योंकि कल के मैच में मैंने एक चीज बताई थी आपको याद होगा कि पाकिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था उसमें कौन थे, वो एक क्या बोलते हैं यार, जो ऑस्ट्रेलिया का एक वो लेफ्टी गेंदबाज था ना जो मीडियम फास्ट बॉलर था, उसका मैंने बताया था ये प्लेयर आपका ट्रंप निकल सकता है, भाई वो कैप्टन है, वाइस कैप्टन निकल गया जीएल के अंदर, है ना, और मैंने अपनी टीम में उसको पिक किया हुआ था, जिसकी वजह से मैं एसएल के सारे कॉन्टेक्ट जीता हूं, ठीक है। तो दिलशान मधुशंका भी आपका इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, दोनों ही इनिंग्स के अंदर बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, आज के मैच में भी इसको कम से कम 3-4 विकेट मिलेंगे, आप लोग अपनी टीम में रखना, मस्ट पिक रहेगा, ठीक है। असीता फर्नांडो के बारे में बात करते हैं, 1 मैच खेला हेड टू हेड में, कोई विकेट नहीं है, ग्राउंड के ऊपर 6 मैचों में 9 विकेट है, तो ग्राउंड के ऊपर परफॉर्मेंस अच्छी है। बाकी रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी इनका खराब चल रहा है, जीएल के अंदर आप लोग इन्हें ट्राई कर सकते हो।
वनिंदु हसरंग अगर आज के मैच में खेलेंगे तो देखो, दो मैच खेले हैं इन्होंने, हेड टू हेड में 2 रन बनाए हैं, ग्राउंड के ऊपर कोई सॉरी विकेट नहीं निकाला है, बाकी ग्राउंड के ऊपर 10 मैच खेले हैं, 136 रन बनाए हैं, 10-20 विकेट निकाले हैं 10 मैचों में। तो भाई वनिंदु हसरंगा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, आप लोग अगर ट्राई करना चाहो तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए एकदम बहुत ही लाजवाब पिक रहेंगे। रिसेंट 2 विकेट, 4 विकेट, 0 विकेट, 22 रन प्लस 0 विकेट, 3 रन प्लस 4 विकेट, तो रिसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है वनिंदु हसरंगा का, खेलते हैं, रखना है जरूर आपको, मस्ट पिक रहेंगे। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड की टीम से प्लेयर के रिकॉर्ड की तरफ। तो भाई सबसे पहले है विलियम, हेड टू हेड में 3 मैच खेले, 160 रन स्कोर कर रहे हैं, 80 का इनका बैटिंग एवरेज है और 86 का इनका बेस्ट है, नॉट आउट, बढ़िया प्लेयर है, अपनी टीम में जरूर रखोगे। ग्राउंड के ऊपर कोई मैच नहीं खेला है ओडीआई का। रिसेंट परफॉर्मेंस 18 रन 23 रन, फिर 71 रन, फिर 51 रन, 19 रन, 30 रन और 48 रन, बैटिंग फर्स्ट करते हुए ट्राई करना अच्छा रहेगा। टिम रॉबिन्सन तो हेड टू हेड में 1 मैच खेला, 35 रन स्कोर करे हैं, ग्राउंड के ऊपर तो कोई मैच नहीं खेले हैं, 28 रन, 3 रन, 0 रन और 35 रन, तो जीएल के प्लेयर हैं, आप लोग जीएल में ट्राई कर सकते हो, एसएल के अंदर ड्रॉप कर सकते हो। आगे बात करते हैं हेनरी निकोल्स के बारे में। तो देखो हेनरी निकोल्स ने हेड टू हेड में टोटल 10 मैच खेले हैं, 270 रन स्कोर करे हैं, 45 का इसका बैटिंग एवरेज है, 124 इन्होंने नॉट आउट बनाए हैं, बेस्ट स्कोर इनका यही है। बाकी रिसेंट फॉर्म तो फॉर्म के साथ जूझ रहे हैं, खराब चल रहा है, 19-0, 18-8-6, ठीक है, रिसेंट फॉर्म खराब चल रहा है। जीएल के प्लेयर रहेंगे, बैटिंग सेकंड में आपके लिए खास रहेंगे, तो ट्राई कर सकते हो बैटिंग सेकंड के अंदर, वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन देंगे। मार्क चैपमैन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म से ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कराते हैं, 2 मैचों में मात्र 9 रन है और विकेट कोई नहीं है, रिसेंट फॉर्म भी खराब चल रहा है, 24-8-1-2-2, ठीक है, तो इनका भी फॉर्म बहुत खराब चल रहा है, ट्राई करोगे जीएल के अंदर, एसएल के अंदर ड्रॉप करना है। ग्लेन फिलिप्स के बारे में बात करूं तो 3 मैचों में 65 रन है हेड टू हेड में और रिसेंट फॉर्म 9 रन प्लस 2 विकेट और 48 रन प्लस 1 विकेट, ये इनके टेस्ट मैच के रन थे, बाकी 17 रन एंड 26 रन, फिर दोस्तों 13 रन प्लस 1 विकेट, फिर 4 रन प्लस 3 विकेट और 9 रन प्लस 0 विकेट। तो अगर मैं बात करूं पिछला मैच इनका खराब गया था, ट्राई कर सकते हो तो जीएल के अंदर ट्राई करना, लेकिन बॉलिंग बैटिंग अच्छी करता है तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एसएल के अंदर रिस्क लेना चाहो तो रिस्क उतना अच्छा नहीं होगा, आप लोग जीएल के अंदर ही रखना इसको। माइकल ब्रिसबेल ने भाई 1 मैच खेला है, 34 रन नॉट आउट बनाया है उसमें और 1 विकेट भी निकाला था, बाकी रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छी चली है, 4 रन प्लस 1 विकेट, 0 रन, फिर 27 रन प्लस 1 विकेट और 0 रन प्लस 2 विकेट और 34 रन नॉट आउट प्लस 1 विकेट, तो रिसेंट फॉर्म भी माइकल ब्रिसबेल का अच्छा चल रहा है, ट्राई कर सकते हो। मिचेल है के बारे में बात करते हैं, विकेट कीपर है, 1 मैच खेला, 10 रन बनाते, रिसेंट फॉर्म भी खराब चल रहा है, जीएल के अंदर ट्राई करना है। मिचेल सेंटनर की तरफ आ जाते हैं तो लेफ्ट आर्म से ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी कराते हैं, 8 नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, 8 मैचों में 68 रन स्कोर कर रहे हैं, 34 रन का बैटिंग एवरेज, 4 विकेट हैं किसके नाम, श्रीलंका की, ठीक है। तो अगर ट्राई करते हो तो प्लेयर तो ठीक ठाक रहेंगे, बट कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक अच्छी नहीं रहेंगे। बाकी रिसेंट फॉर्म देखो 16 रन प्लस 1 विकेट, 19 रन प्लस 1 विकेट और पिछले मैच में 9 रन प्लस 0 विकेट, तो रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है जितना आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए चाहते हो, बहुत सारे लोग करेंगे, यहाँ पे गलती मत करना। नाथन स्मिथ के बारे में बात करते हैं तो 1 मैच खेला हेड टू हेड में, 1 मैचों में इन्होंने 9 रन स्कोर करे हैं, 0 विकेट लिया है, बाकी खराब फॉर्म चल रहा है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें 33 रन, 27 रन प्लस 1 विकेट, 0 रन, 27 रन प्लस 2 विकेट और 9 रन प्लस 0 विकेट, पिछला मैच खराब गया है नाथन स्मिथ का, जीएल के अंदर ट्राई कर सकते हो। सोडी के बारे में बात करें 9 मैचों में हेड टू हेड में 10 विकेट है, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट और पिछले मैच में मात्र 1 विकेट, देखो कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना सोडी को, ठीक है, और बोलिंग फर्स्ट करते हो ज्यादा अच्छा रहेगा। डफी के बारे में बात करते हैं, 1 मैच में कितने 4 रन स्कोर करे हैं, 3 विकेट भी निकाले हैं, तो डफी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, बाकी रिसेंट फॉर्म 0 रन, 0 विकेट सॉरी, और फिर 1 विकेट और 4 विकेट टेस्ट मैच के अंदर बनाए थे इन्होंने, बाकी 1 विकेट, 0 विकेट और पिछले मैच में 3 विकेट लेने के बाद आ रहे हैं, तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो एसएल के अंदर और जीएल के अंदर। तो ये हो जाते हैं दोस्तों प्लेयर के स्टैट्स, यहां से आपको पता लगा होगा कि किस प्लेयर को रखना है, किसे ड्रॉप करना है, प्लेयर के स्टेट्स देखकर आप लोगों को टीम बनानी है। बाकी भाई बात करते हैं फाइनल टीम की, जीएल की टीम की, एसएल की टीम की, तो देखो फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका लिंक मैंने यूट्यूब की बायो में प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस आपको वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी चीज यह है कि अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो ये मेरी साइड में आपको फाइनल टीम दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि देखो टॉस के बाद चेंजेस होंगे और चेंजेस जैसे ही होते हैं टॉस जितना भी इंपॉर्टेंट रहेगा, टॉस के ऊपर टीम इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो टीम आपको फाइनल मेरी टेलीग्राम पर मिलेगी जिसका लिंक मैंने यूट्यूब की बायो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लो ताकि आप लोग फाइनल टीम पाओ, मतलब ले पाओ। चलो बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और हाँ
1x गेम के अंदर ही खेलना है क्योंकि इसमें कंपटीशन बहुत कम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब कर देना।